अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप तो बिल्कुल फिट होंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर एनिमल व्लॉग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब द चैनल एंड साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस टाइम मुझे फुल ज़्यादा नींद आई हुई है, लेकिन फिर भी मैं जाऊँगी स्कूल। स्कूल ये क्यों जाऊँगी? रोल नंबर स्लिप लेने जाना है। मैं आपको रिसेंट ब्लॉग में बताया था कि शहरी मतलब फिफ्थ शहरी वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं रोल नंबर स्लिप लेने जाना है, और मैं शहरी करने के बाद सोई नहीं हूँ और मेरे भी फुल शदीद वाली नींद आई हुई है, लेकिन फिर भी मैंने कहना है चलो यार जाना है, आज के दिन ही मिलनी है स्लिप, उसके बाद मैंने क्या करना है। तो इसलिए और साल्टी स्कूल जा चुकी हैं और अभी मतलब 9 o'clock होने लगे हैं, लेकिन मैं अभी तक रेडी नहीं हुई क्योंकि टाइमिंग 12 तक है, लेकिन मेरी फ्रेंड्स वगैरह तो आई थिंक चली गई हैं, निकल गई हुई हैं। सो अब जाके मैं भी रेडी होती हूँ और स्कूल जाती हूँ, और रोल नंबर स्लिप लेने जाना है आज। तो आज मैंने अपनी नींद जाया करके स्पेशल रोल नंबर स्लिप लेने जा रही हूँ। सो अब जाके जल्दी रेडी होती हूँ। फिर ओके, इसमें आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी थी। मुझे नींद तो आ रही है नशियों वाली, लेकिन ये कि मेरा गला भी सूख गया, मुझे प्यास भी लेकिन लग गई है। तो इसलिए मैं रोज़े में कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा सो जाऊँ ताकि मुझे प्यास ना लगे, मुझे भूख ना लगे, ठीक है। और अभी हुआ कुछ यूँ सीन है कि मेरी एक फ्रेंड स्कूल पहुंच चुकी थी, ठीक है, और वहाँ से स्कूल वाले ने कुछ यूँ सीन किया कि कहने के बस रोल नंबर स्लिप लो और जाओ यहाँ से। और हमने पूरा प्लान बनाया हुआ था कि हम सही फ्रेंड्स इकट्ठे होंगे ये वो, ठीक है। तो अब अंकल ने नहीं आना, लेकिन भाई जो है वो बाहर चला गया। मैं उसका वेट कर रही हूँ कब आएगा कब आएगा, बट उसने आने का नाम नहीं लेना, ठीक है। और मैं कोशिश करती हूँ अंकल को कॉल करूँ कि वो मुझे जो साली को लेने जाए तो मुझे भी साथ लेके जाए, ठीक है। और मैं वेट कर रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैंने सब मैं रेडी बैठी, शूज़ तक पहने हुए हैं मैंने, मैं ऐसे बैठी नहीं हूँ। और मेरी फ्रेंड्स कह रही है तुम जाओ जाओ, मैं भाई कैसे जाऊँ यार, उड़ के चले जाऊँ कैसे चले जाऊँ। और मेरी हालत मतलब बहुत बुरी हुई है, मतलब मुझे नींद आई हुई है, प्यास लगी, और ये मुझे ऐसे देख के नहीं तरस आता किसी को भी मुझे। चलो मैं लेटती हूँ, मतलब ऐसे आया कर रहे सुबह भी लेटी नहीं हूँ, देखो अब क्या होता है, कब आता है कुछ, जो भी आता कब आएगा। और मैं आप लोगों को ये बताना भूली कि मैं कब की रेडी हो गई हूँ। सो गाइस मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मुझे भाई नहीं छोड़ने जा रहा, मैं क्या करूँ क्या करूँ, मैं मर जाऊँ, हाँ रोने लग जाऊँ। भाई आ गया घर, लेकिन कह रहे मैगी छोड़ के आऊँ, मैगी छोड़ के आऊँ, मैंने नहीं छोड़ने जाना। मैंने कही कि बात होती है, अब आप सभी से कहीं आया भाई छोड़ो प्लीज़, भाई जवाब ही नहीं दे रहा, इग्नोर करता जा रहा है, इतना रिट्यूट इतनी शक्ल लगी अपनी, मेरे रूम में घुस गया, भाई छोड़ो प्लीज़, बहुत प्यारे लग रहे हो आप भाई, भाई इतने प्यार, ओ माई गॉड आपके बाल छोड़ा मुझे प्लीज़। फाइनली हम लोग स्कूल आ चुके हैं और मैंने रोल नंबर स्लिप भी अपनी ले ली है, और हमें बड़ी मुश्किल से लोगों ने आज़ादी दी है, और हम लोग स्कूल को बाय बाय करने जा रहे हैं। टाटा, ये फलक तो देखे तो चलते हैं उस साइड पे, सारी लीजिए को भी छुट्टी हो चुकी है, लेट्स गो। अलीजे अलीजे हाय, तू कर अपनी मेहंदी को इधर के फिल्टर का गंदा पानी पी लिए, साफ कर रखना था जो सारा किधर है, छुट्टी हो चुकी है और मैंने अपनी रोल नंबर स्लिप भी ले ली है, सुबह ना फिजा पी के मेरी लड़ाई हो रही है, और मेरा फर्स्ट टाइम आया है गाइस, एंड आई एम हैप्पी क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम ही चाहिए था, मतलब मैंने पेपर्स फर्स्ट टाइम देने जाना है, सेकेंड टाइम देने जाना, और इसने भी रोज़ा रखा हुआ है, इसकी हालत देखे, मतलब मेरी हालत इतनी बुरी हो गई है, प्यास लग रही है। तो मैं कह रही हूँ चिड़ी रोज़ा थोड़ा खोल लो, टाइम 12 हो गया, 1 o'clock हो गया, मैंने कहा खोलो एम ही घट जाते इसकी ठीश ठीश, क्या क्या नहीं, मैंने नहीं छिली थोड़ी सी बस हल्की सी। सो मैं कह रही हूँ और अलीबे का रोज़ा नहीं है, वो घूमने फिरने लगी हुई है, उसे जाकर ढूंढो किधर है, और अभी तक हम मेरे लेने नहीं आए, हाँ इन हमारे छोटे छोटे फैंस भी मिले थे, छोटे छोटे बच्चे आए थे, इतने इतने बच्चे थे, वो आ कहते हैं आप या पी की गर्ल्स, मैंने कहा जी जी क्यूट क्यूट। सो गाइस फाइनली हम लोग कैरी में आ चुके हैं, और
फुल थक गया, मतलब हमारा दिन पहले से गुजर जाता था, सो भी गुजर जाता था, लेकिन आज नहीं गुजरा, मतलब बहुत रोज़ा लगा। और ये लड़की ने रोज़ा मेरे को हमारे सामने ही चॉकलेट खा रही है, और कभी फिर चॉकलेट खा रही है, फिर चॉकलेट खा रही है, मतलब यार इसकी जान ने दी है। और सामने भी रोज़ा रखा, मतलब गाइस ये बच्ची जब रोज़ा रख सकती है तो हम भी रख सकते हैं, मतलब मुझसे बड़ी ताशी वाली कितनी ईजी होकर बैठी हुई है। चलो जो भी है, हम कभी अब हम चलते हैं घर, क्योंकि मैं रात की सहरी के सोई नहीं हुई, अब घर जाके बनाते हैं। बस अली सोई, आप पहले सो के उठ गई थी मैडम, तो हम चलते हैं घर। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं लाइबा पी के कॉलेज, क्योंकि हमने लेना था चिलान फॉर्म और साथ एडमिशन फॉर्म। हम लोग अंकल कॉलेज आए और हमारा बुरा हाल हो गया इसने, हम लोग अंकल से पूछते हैं, मैम का पूछना। हम लोगों ने अंकल से पूछ लिया है कि कौन सी मैम है, किधर बैठी होती हैं, उन्होंने कहा सीधा जाके इधर इधर इधर, हमने कहा ओके इधर इधर चल जाएंगे। अब हम लोग जा रहे हैं और हमारे पाँव थक चुके हैं, देखें देखें मैं पहुँच सकती हूँ। और यहाँ इनके स्कूल में और कॉलेज में हो रहा है पेंट, और मैंने भी इस कॉलेज जाना है शायद 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 लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पता नहीं हम लोग कौन सा कॉलेज है। अंकल मुझे देख रहे हैं, गोलियाँ डाल के मैंने अंकल का जैसे पेंट चुरा के भाग। अंकल ने कहा था सीधा जाके इधर। क्या पूछ रही हूँ अंकल, सारा क्या है अंकल? अंकल का रोज़ा है, दुख दुख शेयर कर रहे हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हमारा काम ऐसे जैसे हम लोगों ने इनका पेंट चुराया हो, तो हम लोग जाते हैं क्योंकि हम लोग थक चुके हैं और लाभ होकर जाके यस, क्योंकि लास्ट डे था ना यहाँ पंजाब कॉलेज में भी। सर आप यहाँ क्यों बैठ गई, थक गई? अंकल ने कहा था जल्दी आना, और ये लोग टाइम लगा रहे हैं। ऐसे पंजाब कॉलेज का मज़ा कुछ ना हो, लेकिन यहाँ ना ग्राउंड पड़ा, हम लोग आराम से पी सकते। और कह रही देखिए ये अंकल बेचारे आपको नज़र आ रहे हैं, अंकल को बहुत रोज़ा लग रहा है और अंकल हाथों को ठीक करके नीचे गिरा के, और हम आए यहाँ इस पंजाब आए हैं इसकी चलान फॉर्म लेकर वापस जाने के लिए, इसने हमारा ना वो टाइम जाए खुफिया रास्ता है जी। चल रहे हैं हम बाहर और हम लोग कैरी में जाके मिलते हैं, आई मीन गेट जाके मिलते हैं।